अरे वाह, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार इस फसल के लिए पसीना भी तो खूब बहाया है, तभी तो पूरे जमीन में सोने की फसल हुई है। मैं किसान का बेटा हूँ, खेती करके खाता हूँ, ये फसल अपने घर ले जाता हूँ, मन में बहुत खुशी है। अरे अरे, तू अभी भी फसल काट रहा है, जा जा, चल अपने घर जा। अरे क्या हुआ है, अरे तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अभी क्या, अभी घर लौट जा, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे तुम बोले और मैं चल दूंगा। अरे यहाँ फसल काट के गाय को लेके फिर घर जाऊंगा। हम आगाह करने के लिए आए हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। वो फिर से जाग उठा है, फिर से कुछ बर्बाद कर देगा। भागो, भागो, भागो। अरे लेकिन मुझे गाय को लेने के लिए नदी के तट पर जाना है, जल्दी जाता हूँ। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या खाऊं, क्या खाऊं? ऐसा भूख लगा कि मेरी नींद टूट गई। कहाँ है मेरा खाना? मुझे बहुत भूख लगी है। ए भागो रे, तेरी मिर्या का नींद खुल गया है, भागो। अरे चलते चलते भी सब कुछ तोड़ फोड़ रहा है। पिछली बार उत्तर में गया था, उससे पहले दक्षिण में, अब तो हमारे पास ही आएगा। अब दुख करके क्या फायदा, जल्दी भागो यहाँ से। वाह, मैं किरमिरिया, मुझसे डरता है मेरा साया। भागो साहब, भागो। गला मेरा सूख रहा है, जाता हूँ पहले पानी पीता हूँ। ओम, नदी सूख जाती है, किरमिरिया का प्यास बुझ जाता है। अरे वाह, यही तो है, मैदान में ही खाना मिल गया, इसे ही खा के पेट भरता हूँ। मेरा गाय मुझे वापस दे दो, दो बोल रहा हूँ। वापस कर दूंगा, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? तेरी इतनी हिम्मत, तू किरमिरिया को आदेश दे रहा है? भाग। जो भी जुगाड़ हुआ है उसे जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, दोबारा फिर वापस आऊंगा। मैं समझ रहा हूँ, आप सभी का मन दुखी हुआ है, पर हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं। मुझे ये बताइए, इसका क्या मतलब हुआ सरपंच जी? वो राक्षस से हमें कौन बचाएगा सरपंच जी? सब हमारे नसीब पे छोड़ना पड़ेगा हमें। लेकिन ऐसे ही फसल बर्बाद होते रहे, घर बार सब टूटते रहे, तो हम लोग जिएंगे कैसे? मैं क्या करूँ इसमें बोलो? हाँ, ये तो ऐसे सालों साल चलते ही आ रहा है। मैंने नगरपाल को भी बोला, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरे हाथ में कुछ नहीं, आज तो मैंने भी सब कुछ खो दिया है, मैं क्या करूँ? देखते हैं कब तक हमारे नसीब में ये सर्वनाश लिखा हुआ है, देखते हैं। नहीं पिताजी, ऐसे हाथ बांध के सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ना अच्छी बात नहीं है। आप लोग शांत हो सकते हैं, लेकिन मैं शांति से नहीं बैठ सकता। बहुत हुआ है, अब और नहीं। क्या मतलब? किसकी बाजुओं में इतना दम है जो उस राक्षस को रोक पाएगा? वो किरमिरिया तो एक भयंकर दानव है। कोई करे या ना करे, लेकिन मैं अंत तक कोशिश करूंगा। भले मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं मुंह बंद करके आपका अपमान नहीं सह सकता, और किरमिरिया का अत्याचार अब और नहीं सहूंगा मैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्यों आए हो बताओ? मैं आपकी अनुमति लेने आया हूँ, मैं किरमिरिया को मार डालना चाहता हूँ। तुम जो कह रहे हो सोच समझ कर कह रहे हो? बिल्कुल,
हाँ बिल्कुल सोच के बोल रहा हूँ, अगर किरमिरिया को मैंने मार दिया तो क्या पुरस्कार मुझे मिलेगा बताएंगे? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे बाजू में दम है, और तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुम्हारे विचार अभेद्य हैं और बहुत साहसी हो। जो कुछ भी हो जाए तुम किरमिरिया के साथ में लड़ सकते हो। लड़ना तो मुझे पड़ेगा ही, नहीं तो उसके अत्याचार से मैं पूरे गाँव वालों को कैसे बचा पाऊंगा। तो फिर सुनो, जितना मैं जानता हूँ उस राक्षस की गुफा में बहुत सारी धन दौलत है, अगर तुमने उसे सचमुच मार गिराया तो सारी धन दौलत तुम्हारी होगी। ठीक है मैं जाता हूँ। तू मेरा एक ही बेटा है, अगर तेरा कुछ हो गया तो हम लोग कैसे जिएंगे? तू कभी सोचा है ये बेटा, बोल मुझे। अरे आप लोग इतना मत सोचिए, मुझे कुछ नहीं होगा। कोई नहीं जा रहा है तेरे साथ, वो अकेला जा रहा है लड़ने के लिए। वही तो, कब से घर के दरवाजे बंद करके बैठा है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप लोग डरिए नहीं, मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, मैंने सब कुछ ले लिया है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा आराम कर लूँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन शाम भी तो होने वाली है। अगर देर किया और सही वक्त पे मैं दैत्य के गुफा तक नहीं पहुँचा तो, अरे वो तो दोनों पेड़ के बीच से मुझे दैत्य का गुफा दिख रहा है। बहुत सही, मैं बहुत सही समय पे पहुँच गया हूँ। अब मैं कुछ खा के थोड़ा आराम कर लेता हूँ और दूर से ही बैठ के दैत्य की गुफा पे नज़र रखता हूँ। शाम कितनी जल्दी हो गया, मैं भी खाना खा के आराम करके कितना फ्रेश हो गया हूँ। अब मुझे थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। हाँ अरे अरे दैत्य तो बाहर आ गया, उसने तो पास में बंधे गाय को लेके अंदर चला गया, तो इसका मतलब वो अब खाना खाएगा और उसके बाद बहुत लंबी नींद लेगा। यही तो मैं चाहता हूँ। अब मुझे थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा, मुझे गुफा के पास जाना होगा। अरे बाप रे बाप, ये खर्राटे की क्या आवाज है, लग रहा है जैसे बादल गरज रहा है। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। रात का खाना खा के वो सो गया, वो तो एकदम गहरी नींद में है। समय बर्बाद ना करके मुझे जल्दी से अपना काम खत्म करना होगा। थकने से नहीं होगा, मुझे सुबह होने से पहले इस कुदाल से गड्ढा खोदने का काम खत्म करना होगा। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब मुझे जल्दी से लंबे लंबे डाल पत्ते इन सब से ना इस गड्ढे को ढक देना होगा, ताकि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ गड्ढा था। रात खत्म होने आई है और मेरा काम भी खत्म होने वाला है। अब मैं इस घास के ऊपर सोके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सुबह होने को आई है, अब मैं और आराम नहीं कर सकता, अब मुझे असली काम करना होगा। अब मैं देखता हूँ कि किरमिरिया कैसे नींद से जागता है। ये क्या है, किसकी आवाज है ये? बंद करो, जल्दी बंद करो, मैं बोल रहा हूँ अभी बंद करो। तू कौन है रे? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू मुझे नींद से जगाने आया है? अभी तुझे अपने पांव के नीचे दबा के कबाब बना के नाश्ता में खा लूंगा। क्या किरमिरिया, कैसा लगा खड्डे में गिर गिरिया?
मतलब क्या बड़बड़िया, मुझे कबाब बना के खाएगा ना? तुम जितना हिल रहे हो पहाड़ का पत्थर उतना ही तुम पर गिरेगा, ऐसा ख्याल है तुम्हें? उसी पत्थर के नीचे तू दबके मर जाएगा। हो गया मेरा काम। इसे बोलते हैं ऊपर वाले की मार। अरे बाप रे, कोई मुझे यहाँ से निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। अरे अरे देखो, राक्षस किरमिरिया कैसा खड्डे के अंदर गिर गया है, अब भी मजा आएगा। पुल का आवाज सुनकर मुझे लगा ही। सब मिल के बोलो जय जय जदुनाथ की जय। सिर्फ जदुनाथ की नहीं, बोलो साहसी जदुनाथ की जय। और आज के बाद इसकी वजह से हम शांति से सो पाएंगे। जाओ जाओ जदुनाथ, इस गुफा की सारी धन संपत्ति तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। नहीं नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरे ग्राम वासियों की संपत्ति है। हम सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहेंगे।